हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुबह का सुप्रभात। तो आज हमारे इस योग के शिविर में, हमारे इस योग के सेंटर में आए हुए हैं कुछ विशेष अतिथि, और उन सभी से आपका परिचय करवाने हेतु मैं बना रही हूँ ये वीडियो। तो आपको और भी आगे की कुछ जानकारियाँ देनी थी, इसलिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आज हमारे योग समिति में सबसे विशेष जो व्यक्ति है वो पधारे हैं, वो है आसनसोल पतंजलि योग समिति की ओर से भारत स्वाभिमान के प्रभारी भ्राता शंकर प्रसाद। तो और इन्होंने हमारे जो वरिष्ठ योग शिक्षक है, हमारे आदरणीय काकू जिनका नाम है रंजीत सिन्हा जी, उनसे इन्होंने भेंट की थी कल और कहा था कि आज वो यहाँ पे आना चाहते हैं और योग के कुछ बातें बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे योग में कुछ विंग्स होते हैं, 5 विंग्स होते हैं, उनके बारे में ये बताना चाहते हैं और उनका गठन हुआ है तो उनमें कौन कौन से सदस्य चयन हुए किए गए हैं, उनका नाम वो बताना चाहते हैं और आगे की जो भी हमारे योग के जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं उनके बारे में भी वो बताना चाहते हैं। इसीलिए आज वो सब यहाँ पे पधारे हैं और विशेषकर हमारे शंकर प्रसाद जी यहाँ पे पधारे हुए हैं। तो आपको इनसे कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, कुछ अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा योग क्या है, क्यों है और योग में कौन कौन से सदस्य हमारे चयनित हुए हैं और वो सदस्य कौन कौन से हैं, इन सभी की जानकारी आपको मिलेगी और भी आगे की जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ से मिलेगी। तो आप सभी धैर्य धरकर ये पूरा वीडियो देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए फिर आगे हम करेंगे कुछ शांति पाठ, कुछ योग, उसके बाद शांति पाठ और उसके बाद होगी हमारे प्रभारी हमारे भ्राता शंकर प्रसाद जी से बातें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा शांति पाठ। शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति 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 क्षमा शांति 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 शांति। আমরা স্টেট আজকে অর্গানাইজ করবে যিনি সেই প্রভারী জেলা প্রভারী
Mr. Pankaj Murugan, from the state school. এই মায়ের গ্রামে তাকে এখানে ব্যবহার করবো, তিনি যেমন পরিচালনা করবেন তা করবেন, আমার শিক্ষার যে ভাই স্যার টাইম ছিল আমি হ্যান্ড ওভার করছি। হ্যান্ড ওভার টু মিস্টার শঙ্কর। आप शिव मंदिर के सभी शिवरात्रि को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस में, इतने शॉर्ट नोटिस में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर बुद्धा शिव मंदिर की जो गरिमा है उस गरिमा में आप लोगों ने चार चांद लगा दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आप सब बैठ जाए। आप लोग सब बैठ जाए, बैठ जाए आप सभी को। सबसे पहले इस शिविर के जो सबसे बड़े साधक हैं, ऐसे तो कोई हम उनको नाम लेकर नहीं बुलाते हैं, काकू बोलते हैं, कोई दादा बोलते हैं, लेकिन मैं तो नाम लेना बहुत उचित समझूंगा। आज आदरणीय रंजीत सिन्हा जी के लिए एक बार आप जोरदार ताली दें। और मैंने उनसे एक निवेदन किया कि हमारी जिला कमेटी जो है वो गठन हो चुकी है। अपना तो हिंदी बुझते पड़ तो ठीक है। तो उनसे ये निवेदन किया था कि हमारी जिला कमेटी गठन हो चुकी है, तो इस जिला कमेटी का अनाउंसमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने एक कमरे में बैठकर, कुछ लोगों ने बैठकर ये डिसाइड किया था। और मुझे लगा कि बुद्धा शिव मंदिर के जैसा पवित्र स्थान और कोई हो नहीं सकता। ये मंदिर दिव्य स्थान है, और मैं पिछले बार भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जितना बड़ा शिविर आपका चल रहा है, मैं बहुत जगह घूमा हूँ, पूरे पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा शिविर नहीं चलता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए जो भी प्रभारी यहाँ आते हैं आसनसोल में, वो पहले मुझसे संपर्क करते हैं कि भाई शंकर आप देखो कि बुद्धा शिव मंदिर में कब योग प्रणायम किया जा सकता है। लेकिन बुद्धा शिव मंदिर दो चीज के लिए जाना जाता है, एक तो भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति और दूसरा इसका डिसिप्लिन, जिसको आना है समय से आएगा, वो अपना गेट बंद कर दी जाए। तो अगर मुझे ऐसा, मैं प्रभारी हूं, अगर मुझे भी वहां 2 घंटा 15 मिनट या 10 मिनट खड़ा रहना पड़ा ना, तो यकीन मानिए कि मुझे भी दुख नहीं होगा बल्कि खुशी होगी, क्योंकि जो डिसिप्लिन कभी कभार प्रभारी लोग भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो डिसिप्लिन यहाँ मेंटेनेंस होता है, बहुत बड़ी बात है। अभी पिछले दिनों हमारे राज्य प्रभारी, पतंजलि योग समिति का राज्य प्रभारी श्यामलता जी, कई बार क्या होता है कि वो राज्य में कहीं जाने से क्या होता है, उनके लिए समय भी बदल दिया जाता है। लेकिन उन दिन में योग प्रणायाम करना चाहता हूँ, मैंने इनको फोन लगाया, इन्होंने बिल्कुल सप्त शब्दों में एकदम बिल्कुल क्लियर कहा कि शंकर मेरा शाम का शिविर अभी बंद हो चुका है, परसों से सुबह का शिविर होगा, इसीलिए अगर वो सुबह आ सके तो आए परसों, वरना शाम को ये शिविर नहीं होगी। और यकीन मानिए मेरे राज्य प्रभारी को भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ये डिसिप्लिन यहाँ मेंटेनेंस होता है, जो कि मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं होता। और आपके बुद्धा शिव मंदिर के जितने भी और भी कई लोग, राधेश्याम जी और हमारे रामाराव जी ब्यामतपुर से आए हैं, उनके साथ कई साथी आए हैं, और उसके बाद सातपुराम से हमारे राजेश भाई आए हैं, उनके साथ आए हैं, तो कई दूर दूर से लोग भी आए हैं, कुछ लोग मेरे ख्याल से रानीगंज से आने वाले थे, पहुंचे कि नहीं पता नहीं। तो मैंने उनको पहले ही हिदायत यह दिया कि भैया आप 5:30 बजे से पहले पहुंच जाना,
वरना गेट बाहर बंद रहेगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये मैं जानता हूं। हालांकि इन्होंने ये आजादी दे रखी थी कि मैं प्रभारी अगर बोला तो एंट्री मिलेगा, लेकिन मुझे मैं एंट्री देता तो मुझे बिल्कुल दुख होता कि भाई जो यहाँ मेंटेनेंस के नहीं नारी दिवस लेकिन एक दिन वो नारी दिवस पालन किया जाएगा। हमारे इसी तरह के जो सीनियर योग शिक्षक हैं, हमारे आदरणीय काकू दादा जो भी बोलिए, निमाय चंद्र सेन जी जो आपके समक्ष उपस्थित हैं, इनका भी 3 दिन शिविर चलता है और बड़े स्तर पे शिविर चलता है और इनके भी लोगों की संख्या काफी है क्योंकि इनका 3 शिविर चलता है अलग अलग जगह में, बहुत बेहतरीन उपस्थिति रहती है। तो रानीगंज से भी हमारे भाई आ गए हैं, तो समय भी पार हो रहा। मैं अभी आप लोगों को हमारी जो जिला कमेटी तैयार हुई है वो छोटी सी एक घोषणा देगी जिला कमेटी, वो मैं आप लोगों को कर देता हूँ। एक एडवाइजरी कमेटी होती है कि अगर जिला वाला लोग कहीं दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको ठीक ठाक करके उनको जिला स्तर पे ले आया जाए। कृपया आप लोग बैठ जाए, बात ना करें। तो एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है, तो सबसे पहले मैं एडवाइजरी कमेटी का नाम ले लेता हूं और उसके बाद उस एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों के साथ आप लोग कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत कीजिएगा। हमारे एडवाइजरी कमेटी में सबसे पहले जो नाम है वो हमारे आदरणीय रंजीत सिन्हा जी का है। दूसरे सदस्य जो है निमाय चंद्र सेन जी, तीसरी जो है आप ही लोग के बीच के हैं हमारी सुमोना चटर्जी, और चौथे जो सदस्य हैं उनका नाम है डॉक्टर रामाराव जी। तो ये 4 सदस्य कमेटी हो गई। उसके बाद जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 5 प्रभारी पूरे पतंजलि योग समिति का संचालन जो है वो करता है, तो उस 5 सदस्य को छोड़कर, 5 सदस्य तो है ही, इसके अलावा हमारे उसमें एक और सदस्य आ जाता है मीडिया वो प्रभारी के रूप में है, हमारे रघुवीर भाई जी। उसके बाद हमारे सत्य प्रकाश जी, आप लोग खड़े हो जाएंगे जिनका नाम लोग, सत्य प्रकाश जी खड़े हो गए, और सत्य प्रकाश जी को हम लोगों ने और एक दायित्व दे दिया है, वो आसनसोल साउथ के तहसील प्रभारी के रूप में रहेंगे और तहसील प्रभारी के रूप में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अपना कमेटी भी गठन करेंगे, उनको कुछ अलग से अतिरिक्त दायित्व दे दिया गया है ताकि वो काम करें। उसके बाद हमारे और एक वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्होंने हमारे लिए पतंजलि योग समिति के लिए हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया है हर कार्यक्रम में, और आप लोगों ने सुना होगा बार बार राम जानकी मंदिर, उनके ट्रस्टी, उनके ओनर जो कुछ भी बोलिए, हमारे राधे श्याम भैया खड़े हो जाएंगे, राधे श्याम जी का हमेशा सहयोग रहा है, वो हमारे कमेटी के सदस्य बने हैं, जिला कमेटी के सदस्य, और इनका बराबर निरंतर सहयोग रहता है हमारा पतंजलि योग समिति में, चाहे कोई भी जाए। कई बार ऐसा हुआ कि वो होल बुक भी रहा है तो भी हम लोगों को कार्यक्रम करने के लिए, मीटिंग करने के लिए वहां पे जो जगह है वो उन्होंने मुहैया करा दी। उसके बाद बहुत एक्टिव हमारी बहन है, दीदी है जो बोलिए, उसके बाद आपकी ही यहाँ की एक बहन है, दीदी है, संगीता पाठक जी। उसके बाद अंकिता कोनार जी, ये आपके दो यहाँ के हैं जिनको हम लोगों ने जिला कमेटी के लिए चयनित किया है, और
क्योंकि जिला कमेटी में ज्यादा लोगों का रखा नहीं जा सकता, आप लोग सब योग्य हैं और सब लोग आप लोग सक्षम है इस भाग है कि नहीं पता नहीं। आशा धनवाल जी है क्या? और एक सज्जन है वो थोड़ा घर से कम निकलते हैं, श्री कृष्ण मोहन मेहता जी, ये हमारे लाइव मेंबर है पतंजलि योग समिति के। उसके बाद एक छोटी बहन है वो आ नहीं पाएगी, उनका घर में कार्यक्रम है अपर्णा राय। और एक हमारे बहन है स्नेह लता ठाकुर, वो आप लोगों की जो महिला भी है उनका युवती प्रभारी के रूप में शायद अभी सेवा दे रही है। उसके बाद है अजय कुमार दे जी, ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही बढ़िया योग प्रणाम कराते हैं। और उसके बाद ये ऑल बंगाल योगा एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, और फिर इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दिन में तो समय नहीं दे पाते, वो बोलते मुझसे भाई सुबह सुबह जितना समय ले लो, तो उनकी भी उपस्थिति आज मैंने दर्ज करवा दी है, श्री गोपाल बनवाल जी। बहुत अच्छे भाई हैं, बिजनेसमैन है, समय नहीं दे पाते, मैंने उनको कहा कि भाई सुबह का समय आपको आना पड़ेगा, तो आज वो हमारे बीच उपस्थित है। उसके बाद राधे श्याम जी है क्या? उसके बाद बहुत दूर से चल के आए हमारे राजेश शर्मा, बहुत ही पुराने सदस्य हैं, हम लोग एक साथ मिलकर काम करते थे, बहुत ही पुराने सदस्य, ये तो बहुत कई लोग खो गए थे कहीं, मैंने सबको पकड़ पकड़ के अभी पकड़ना शुरू किया है, सबको पकड़ पकड़ के ला रहा हूं और एक्टिव रूप से उनका उनसे काम लिया जा रहा और ये जो हमारा रजिस्टर है ना, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये हम मुझे मिला नहीं था, मैं राज्य ऑफिस से जाकर लेकर आया हूँ, दिखा दीजिए एक बार यहाँ से चेहरा। और आज आपकी सभी की उपस्थिति दर्ज इसमें होगी, ठीक है? इसके बाद एक हमारी बहन है सोना महतो, वो उपस्थित नहीं है। दूसरा भाई है टप्पू खरवा, जो बहुत ही एक्टिव है लेकिन वो आज उपस्थित नहीं है। तो ये बिल्कुल रही हमारी जिला कमेटी की टीम, और इसे मैं ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से, क्योंकि नाम तो याद रहेगा नहीं, लेकिन वो ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। और हमारे 7 तहसील हैं, 7 ब्लॉक हैं, तो 7 ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉक में हम लोगों ने प्रभारी बनाए हैं। तो जिला कमेटी में रहने के साथ साथ ब्लॉक के भी प्रभारी हैं हमारे रामाराव जी खड़े हो गए, वो कुल्टी ब्लॉक को देखेंगे, कुल्टी ब्लॉक के प्रभारी हैं। और मैंने आसनसोल नॉर्थ खाली रखा है, अगर आप लोगों को भी लगता हो कि आसनसोल नॉर्थ में कोई अच्छा बंदा है, मैंने बंदे कह देखे हैं लेकिन मुझे काम करने वाला बंदा चाहिए, मैं सबकी सहमति से सबकी राय लेकर के उसे नियुक्ति देना चाहता हूं। और आसनसोल साउथ में जैसे जानते हैं आप ही लोग के शिविर का सत्य प्रकाश जी तो है ही, मैंने घोषणा कर दी है। और उसके बाद जमुनिया ब्लॉक से है राहुल देव पांडे जी आए हैं भाई, ये भाई बहुत ही एक्टिव है, मैं प्रवास के दौरान इनसे मिलने गया था और इन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि मैं काम करूंगा और बेहतर तरीके से काम करूंगा, अभी मैं इन लोगों से काम लेने वाला हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से।
और एक है पंडेश्वर से, उनका आना संभव नहीं हुआ है, अशोक कुमार जी। ठीक है, आप ताली बजा सकते हैं। और रानीगंज ब्लॉक से हमारे आए हुए हैं नीताई गौरव भाई। नीताई जी खड़ा हो जाए, हम रानीगंज से आए हैं। मैंने उनको बोला कि भाई सुबह सुबह निकलो, जल्दी पहुंचा दो। और बाराबंकी से हमारे अजीत राय जी बने हुए, ये हमारे ब्लॉक के प्रभारी हैं। मेरे ख्याल से आप कुछ 5-7 मिनट बाकी है, तो मुझे अपनी बात खत्म भी करनी है। तो पिछले कुछ आने वाले दिनों में कुछ कार्यक्रम के बारे में बता दूं कि हमारे पतंजलि योग समिति कौन कौन सा कार्य कर रही है। इस विषय में मैं थोड़ा सी बता देता हूं। आगामी 18 तारीख जो है, 18 तारीख को हम लोग कुछ एनजीओ के बच्चे, जो बिल्कुल जिसके घर परिवार को ध्यान नहीं देते, वैसे बच्चों को, दो गांव के बच्चों को, तकरीबन 80 बच्चे हैं, वो 80 बच्चों को हम लोग जाकर कुछ स्टडी मटेरियल देंगे जो उनका पढ़ाई लिखाई में काम आ सके, और कुछ स्नैक्स वगैरह दे देंगे, और 80 बच्चों को योग सिखाने का काम हम लोग करेंगे उस दिन। क्योंकि आने वाले समय में वही हमारा भविष्य है, हमारा देश का भविष्य है। अगर हम आज योग प्रणायाम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या देकर जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या देकर जाते हैं? धन संपत्ति, और ज्यादा से ज्यादा हुआ बंगला गाड़ी, यही देकर जाते हैं। लेकिन ये पैटर्न चेंज होना चाहिए। हमें हमारे बच्चों को संस्कार देना चाहिए, संस्कार देकर जाना चाहिए। तो उसके लिए धन संचय करने का जरूरत नहीं है, और उसके लिए भी धन संचय करने का जरूरत नहीं है। वो संचय कर लेगा, वो आपके लिए अपना जमा ही है, उसके लिए धन संचय करने का जरूरत नहीं। आपका धन देना, फिर वो गलत ही काम करेगा, अच्छा काम कभी नहीं कर सकता। लेकिन जब आप उसको संस्कार देकर जाएंगे, योग प्राणायाम का संस्कार देकर जाएंगे, अध्यात्म का संस्कार देकर जाएंगे, तब देखिएगा वो आने वाली 7 पीढ़ी को उतार देगी, 7 पीढ़ी। और एक बात याद रखिए, जो संस्कार देने की क्षमता, मैं बिल्कुल गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो संस्कार देने की क्षमता पिता में नहीं होती, वो संस्कार देने की क्षमता मां में होती है। और आप मातृशक्ति यहां पे उपस्थित हैं। दूसरी बात, इसके बाद जो हम लोग, जो हमारे देश में कभी नहीं था, मॉडर्न जमाने के साथ साथ ये होता गया, और हमारे देश में वृद्धा आश्रम खुलते गए। इसी क्रम में एक वृद्धा आश्रम बानपुर के एक एरिया है, दामोदर साइड में, वहां एक वृद्धा आश्रम खुला, कई लोग वहां पे गए हैं। सूर्यनगर में एक वृद्धा आश्रम खुला है, जहां जिसके बेटे सक्षम है, किसी का लड़का विदेश में है, किसी का लड़का कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अपने अपने माता पिता को उस वृद्धाश्रम में रख के गया, छोड़ कर गया। तो हमारी जो टीम है वो वृद्धाश्रम भी जाएगी, वहां उनको सेवा भी देगी, और जो जरूरत के कुछ सामान होते हैं ना, जैसे चावल दाल कुछ भी अगर हो गया, वो हम उनको मुहैया करवाएंगे। और प्रत्येक माता पिता तुल्य जो बुजुर्ग है ना, उनको योग प्राणायाम सिखाने का भी काम। और हमारी पतंजलि की योग समिति की एक शिविर जो है वहां भी रहेगी, ताकि हम लोग बीच बीच में वहां जाके सिखा सके। बीच बीच में हमारे यहां से बुधाशिव मंदिर से कोई माता, कोई बहन जाके वहां पे योग सिखा सके, ऐसी व्यवस्था। और सबसे और एक बात आपको सूचित कर दो कि पतंजलि योग समिति की महिला विंग के तरफ से एक टीचर्स ट्रेनिंग कैंप हुआ, सिर्फ महिलाओं की तरफ से हुआ था, लेकिन उसमें महिला के अलावा एक दो पुरुष भी थे। इस बार आने वाले दिनों में, महीना के ये मार्च चल रहा, अप्रैल के अंतिम सेशन तरफ एक टीचर्स ट्रेनिंग कैंप होगा, जो आप सभी से अनुरोध है, और स्पेशली मैं आदरणीय सिन्हा जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी आपके इस मंदिर के प्रांगण में, देखिए मैं महिलाओं का शिविर हुआ था तो मैं महिलाओं के शिविर के लिए भी बोलने आया था, आज पतंजलि योग समिति की जो शिविर होगी उसके लिए भी मैं बोलने आया हूँ। वो पतंजलि योग समिति की एक शिविर चलेगी राम जानकी मंदिर में, तो जो लोग
अभी टीचर्स ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। कहीं ना कहीं आप प्रमाणिकता से ये नहीं बोल सकते कि मैं योग शिक्षक हूं, मैं योग जानती हूं, लेकिन आपके जिला स्तर पे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिससे आप कहीं भी जाके दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं और आप क्लास लेने के लिए अधिकृत हो जाएंगे कि आप कहीं भी जाकर के योग शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं। इसलिए आप लोग कल से जो है वो रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा, लंबे समय तक चलेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया के लिए आप हमारे आदरणीय रंजीत सिन्हा जी के पास अपना नाम लिखा सकते हैं और जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है 1100 रुपया वो भी आप लोग इनको दे सकते हैं। हाँ, जो भी आज इस मंच से मैं कुछ ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो भी महिला विंग के हैं या पतंजलि योग समिति विंग, मैं खुद भारत स्वाभिमान से हूँ, युवा भारत, अगर युवा भारत कोई काम करता है तो बिना युवाओं को पूछे कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट BST प्रभारी का ये दायित्व रहता है कि वो सब पे मॉनिटरिंग रखे। तो मैं किसी पे ऐसा मॉनिटरिंग रखना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर भारत पतंजलि योग समिति कोई दायित्व में है, जोगेंद्र सिंह जी अगर कोई दायित्व में है, तो पतंजलि योग समिति के सभी कार्यकर्ताओं से पूछ के कार्य करें और उनको साथ में लेकर कार्य करें। इस तरह युवा प्रभारी जो भी हैं वो बिना युवा से पूछे, बिना युवा की सहमति से कोई भी कार्य करेगा, वो कार्य, देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते हैं, हाँ, वो कार्य मान्य नहीं होगा। अगर किसान पंचायत के प्रभारी अगर किसान पंचायत समिति से बिना पूछे, बिना उन परमिशन अगर कार्य का है, तो वो, मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा, मैं अपने राज्य प्रभारी से डिस्कस करने के बाद ये बात को बोल रहा हूं। इसी तरह बात ये आती है कि अगर महिला पतंजलि योग समिति की जो भी बहनें हमारी हैं, अगर आप मातृशक्ति को पूछे बगैर, आप मातृशक्ति के जाने बगैर, इन्फॉर्म किए बगैर अगर कोई कार्य करता है, तो वो कार्य पतंजलि योग समिति में रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। और विशेष रूप से ये इंफॉर्मेशन हमारे जिला के कार्यकारिणी सदस्यों को होना चाहिए, सभी के अगर मान नहीं दे रहे तो कम से कम ये बातें अचानक हम लोग को सुनने को मिलता है कि कहीं योगा टीचर ट्रेनिंग कैंप हो रहा, अचानक सुनने को मिलता है कि कहीं ये हो रहा, अचानक सुनने को मिलता है कहीं वो हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको साथ में लेकर चलना चाहिए और सबको, किसी को ऐसा ना लगे कि मैं पतंजलि परिवार से दूर हूं, किसी को ऐसा ना लगे कि मुझे कोई पूछा नहीं, किसी को ऐसा ना लगे कि मैं बहुत लंबे समय से योग शिक्षक हूं, मेरे बारे में कुछ पूछा नहीं। मैं कुछ भी बड़े कार्य करने से पहले कम से कम ये दो लोगों को, दो शख्सियत को जरूर बताता हूं, हमारे आदरणीय रंजीत सिन्हा जी को और सेन काकू, है ना, मैं इनसे पूछे बगैर, ठीक है ये कार्यकारिणी मार्गदर्शक कमेटी में अभी हैं, लेकिन इससे पहले भी मैं इनसे पूछे बगैर कुछ भी काम नहीं करता था। इसलिए आप लोगों और थोड़ी सी अंतिम समय में मैंने थोड़ी सी तीखी बातें कह दी है, अगर किसी को बुरा लगा तो इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, देखिए जो स्टेपलर होता है ना, स्टेपलर थोड़ा सा दर्द देता है लेकिन सारे कागज के पन्नों को ना जोड़ कर रखता है, वो स्टेपलर थोड़ी सी चुभती है लेकिन वो सारे पन्नों को जोड़ कर रखता, पन्ने को बिखरने नहीं देता। तो मेरा काम थोड़ा सा स्टेपलिंग करने का है, सबको जोड़ के रखने का है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते देखना, छोड़ना, अटेंशन दीजिए।
आ रहा है। हेलो अटेंशन प्लीज, आ जाओ। ठीक পাঁচটায় শুরু হচ্ছে, সাড়ে ছটায় যাচ্ছেন, হোয়াইট ড্রেসে আসছেন, ঠিক এরকম দুজন মানুষকে সারা বছর যিনি আসবেন, অ্যাটেন্ডেন্স বেশি হবে, তাদের ডিসিপ্লিনের উপর নির্ভর করবে, নলেজের উপর নির্ভর করবে, অ্যাক্টিভিটি থাকবে, আমার বোমা হলে চলবে না। আর আমাদের দাঁড়াবো, এবার নিজে নিজে জায়গা রাখ, প্লিজ ডু নট মুভ ওভার দিয়ে, আমাদের চা আসছে, আমার হাতে নয়, এখন দোকান খুলছি। মানে ইন্ডিয়ান যে সোলজার চাই, তার যে সেনাপতি আয় ভারত সেনাপতি, তিনি একবার আমাদের স্কুলে এসেছিলেন রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে, তিনি বলেছিলেন তিনি এসে বলেছিলেন যখন জাতীয় সঙ্গীত গা হবে, ন্যাশনাল অ্যান্থেম, তখন কিন্তু বুক উঁচু করে, হাত মুঠো করে, মুঠো করে, এই হাত তাহলে মুঠো, যখন শুরু জানো মুঠো করে। ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্টকে রুলস হয় অনেকে কথা হয় ও ইনকাম মাই টাইম ন্যাশনাল অ্যান্থেম দেন শুনি। थोड़ी सी चाह रही है, देखिए आदरणीय, हाँ चाह आ गया, चाह आ गया, चाह आ गया, आपने बैठ जाइए। इतना सेवा दे रहे हैं, इतना व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था करके रखे हैं, इसलिए आप लोग गुरु जी डायरी की बात कर लीजिए।